हे गाइस, सो यूनिट टू हम देख रहे थे, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्लाउड में। ठीक है, शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ले लेना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, लाइक आप नाम समझो कि क्लाउड में बिजनेस और बिजनेस की प्रोसेसेस जो भी होते हैं उनको मैनेज करना है हमें। ठीक है, ये है इसका ओवरऑल गोल। ठीक है, अब समझते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो क्लाउड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है, ये जो है एक तरह का पास है, पी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, वही है ये। तो इससे क्या होता है कि आपने जो है जो सीधे काम है, काम को करो, उस काम को ऑप्टिमाइज करो, डेट्स इट। आपको एक भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अपना ऑफिस का या पर्सनल जो भी डिवाइस आप यूज़ करो, उसमें आपको एक सिंगल मेगाबाइट भी इंस्टॉल नहीं करना है किसी भी सॉफ्टवेयर का। आप जस्ट क्लाउड पर उस चीज़ को इंस्टॉल करो और जस्ट अपने लैपटॉप से या अपने जिससे भी मोबाइल से आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, डेट्स इट। जो भी प्रोसेस करनी है उसमें ही यूज़ करो। आपको कोई भी एडिशनल डेटा अपने पर्सनल या ऑफिस लैपटॉप में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज़ करो। तो इससे एक बहुत अच्छी आपको लाइक अपने डिवाइस के हार्डवेयर की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो भी है, आप बस जस्ट अपने उसमें प्रोसेस करते चलो, वहीं पर ही सब इंस्टॉल होगा, वहीं पर सब होता रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है एक। ठीक है, और इसके अपन सात रीज़न समझ लेते हैं या एडवांटेज समझ लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरत है इसकी। सबसे पहला है, एरर्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारी क्लाउड पे डिप्लॉय है। तो क्लाउड के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें एरर्स ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि आपको जो बहुत सारे लाइक ऐसा समझ लो आपका एक डेटाबेस है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, सेम ऐसी एक और बंदा है वो भी इस डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। इस डेटाबेस को मतलब सेम इसकी रेप्लिका इसके पास है, बढ़िया अलग तरीके से डेटा ले रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। और सेम ऐसे एक और अलग अलग जना है, वो भी डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। इन तीनों में सेम डेटा है, बट तीनों अलग अलग जने मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बट क्लाउड में क्या होगा, डेटाबेस एक होगा पर इसको एक्सेस अलग अलग लोग करेंगे, समझ रहे हो। तो अब क्या हो गया, आपका सबसे पहले जो डिवाइस वो जो था स्टोरेज था, यहाँ पे देखो जैसे सपोज से ये 1 GB का डेटाबेस है, तो तीन अलग 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 जने मैनेज कर रहे हैं, तो 1 GB, 2 GB और 3, टोटल 3 GB डेटाबेस ऑक्यूपाई हुआ। बट यहाँ पे देखो, यहाँ केवल 1 GB ही ऑक्यूपाई हुआ और तीनों जने यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले चीज़, जिससे कि लेट सपोज यहाँ पे एक जने का मोबाइल नंबर अपडेट किया है, उसी एक जने का नंबर यहाँ दूसरा नंबर है, उसी एक जने का नंबर यहाँ दूसरा है, समझ रहे हो। तो एक एरर क्रिएट नहीं हो रहा, पर यहाँ पे जो एक नंबर ऐड हो गया वही तीनों देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा है, एनी वेयर एनी टाइम एक्सेस, मतलब कहीं से भी यूज़ करो, किसी भी डिवाइस से यूज़ करो, लाइक किसी भी समय यूज़ करो और किसी भी डिवाइस से यूज़ करो, लाइक अपने मोबाइल से कर लो यूज़, या अपने लैपटॉप से कर लो, या ऑफिस से कर लो। आपको एक ऑनलाइन लिंक मिल जाएगी, आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए और डेट से आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया। सिक्योर डेटा, जो कि क्लाउड है, तो क्लाउड का पूरा गेम ही हमारा इंटरनेट पर चल रहा है, तो वो अपने ऑलरेडी इतने टाइट जो हैं, टाइट प्रोटोकॉल बैंड कर देते हैं, सो डैट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। और भले ही वो एक सर्वर पर है, पर वो सिर्फ उसको आप ही एक्सेस कर सकते हो, उसको वो एनकोड कर देते हैं, जिसको सिर्फ आप ही डिकोड कर सकते हो डेटा को। तो आपका जो डेटा है वो पूरा प्रिजर्व रहता है और सिक्योर रहता है। चौथा है, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस। रिलायबल मीन्स कि आपका जो डेटा है, जो आपने डाला है वही रहेगा, कुछ भी बदल नहीं जाएगा। मतलब होता है ना कि आपने यहाँ डाला, किसी और ने आगे कुछ और कर दिया तो आपको वही मिला, ऐसा नहीं। जो आपने चीज़ आपने सपोज से उसमें 1 MB की फाइल रखी, अब आप 1 साल बाद आओ, आपको 1 MB की फाइल दिखेगी, वो फाइल डिलीट नहीं होगी अपने आप, कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये हो गया। कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब आपका कोई भी मालवेयर अटैक नहीं होगा उस पर, और मतलब आपका मतलब इतना आसानी से सर्वर डाउन भी नहीं होगा। अगर आप अपना पर्सनल सर्वर लेते हो तो उसमें चांसेस हैं कि वो किसी रीजन से डाउन हो सकता है, बट क्लाउड में क्या होता है कि मल्टीपल सर्वर चल रहे होते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल जगह होती है, तो उससे क्या होता है कि वो एक डाउन भी होगा सर्वर तो दूसरा सर्वर उसको संभाल लेगा। मिनिमम सेटअप, लाइक समझ रहे होगे नाम से कि आपको कुछ करना ही नहीं, बस क्लिक 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 करना है क्लाउड पे अपने क्रोम ब्राउजर से या किसी ब्राउजर से, और वो आपका सेटअप हो गया, और मेंटेनेंस आपको करनी नहीं है, बाकी उसको फी पैसे देने हैं उसके एनुअल या मंथली, जैसा भी आप पैकेज देते हो, डेट्स इट। बेटर कोलेबोरेशन, जो कि सब कुछ इंटरनेट पे है और सब कुछ कॉमन ही है, तो हर कोई आप कोलेबोरेट इजीली कर लेता है, लाइक रिडंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सब कुछ डिजिटली आपका है तो बहुत आसान रहता है।
इनसाइट्स जो होते हैं बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं कि लाइक कौन ने आया कौन नहीं आया, डेटाबेस किसने एक्सेस किया, जो कॉमन डेटाबेस है तो उसके लॉग्स आराम से हम ट्रैक कर सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये थे BPM के ऊपर ओवरऑल डिस्कशन। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू वेरी मच।